So many numerology, vastu, graphology, so many different subjects as I have been gone through. And how did it help me, and how the things are helping you when you teach other people? That's very important. Because if you are not enjoying what you are teaching, I don't think you can be aligned to the universal energy or you can have a good health and relationship. Am I right? If you are not happy by what you are teaching it, right? So there will be a friction inside you, there will be a resistance inside you, there will be always rejection inside you. And that can create so many health issues like blood pressure, hypertension, diabetes, even cancer also, allergy, so many things can create in your life because you are not aligned with what you are doing in the life. So first thing that you should enjoy, right? So let us go through the today's slideshow. I had shown two slides. Could anyone help me? What can you make out of this slide? आप में से जो भी कुछ बोलना चाहे, and really I will be happy if you are open-mindedly interacting with me. Yes? Yes? Can you speak a little loud? Yeah, but he can give you a mic. Right. Yes, very good. Anyone else can add to this slide? हम बहुत कुछ समझेंगे आज. The purpose of the life, the purpose of the soul. आज बहुत कुछ समझेंगे. आज बहुत explore करेंगे. So I want you to be take the things very open mindedly because definitely it is going to help you in your personal life and your teaching life. Yes, और कोई add कर सकते हैं ये slide में? Science and spirituality. Okay. Let us अब इस स्लाइड में हम कुछ बता सकते हैं ये क्या है? Have you come across the different science? आपने साइंस को कहाँ ज्यादा पढ़ा है? Right? कितने लोगों ने RTO में examinations दिए हैं? Two wheeler, four wheelers, है ना? काफी लोगों ने, maximum लोगों ने, right? वहाँ साइंस का कितना importance होता है? Am I right or not? तो साइंस के पीछे क्या होता है? एक साइंस है और वो ही आज हम समझने की कोशिश करेंगे. साइंस के पीछे एक क्वांटम साइंस है. मेरा मेन सब्जेक्ट है क्वांटम फिजिक्स, जिसके ऊपर मैं काफी साल से रिसर्च कर रहा हूँ. हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कुछ तो यूनिवर्स मैसेज डिलीवर करना चाहता है थ्रू अस. और जो भी हम पढ़ते हैं, लोगों से पढ़ते हैं, लोगों से सीखते हैं, वो भी कुछ तो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. Am I right? So, हम समझते हैं कि तीन कैटेगरी में हम उसको डिवाइड करें. फर्स्ट इज द नॉलेज, सेकेंड इज द इंफॉर्मेशन एंड थर्ड इज द एक्शन. Am I right? तो नॉलेज बहुत से लोगों को होती है, लेकिन उस नॉलेज में से कुछ सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन बहुत कम लोगों के पास होती है और उसके एक्शन तो बहुत कम लोग लेते हैं, है ना? हम कहते हैं ना, इंडिया में सारे लोग गुरु हैं, सारे लोग पंडित ही हैं, हर एक के पास ज्ञान भंडार है, होता ही नहीं. कहीं पे भी आप जाएं, अब मैं सुबह पुष्कर गया था, वहां पे भी लोग जो भी करते हैं, कर्मकांड करते हैं, वो इस तरह से शो करते हैं जैसे पूरे ब्रह्मा का नॉलेज ज्ञान उन्हीं के पास है. हम तो बहुत पाप करके आए और पाप तो वही हमारे धो सकते हैं, और जब तक हमारे पाप बहुत धुलेंगे नहीं, शायद हम आगे नहीं जाएंगे. Am I right or wrong? ये कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं? और आज अगर आप स्टैटिस्टिक देखें इंडिया में, तो सबसे ज्यादा जो फाइट चल रही है ना, वो सिर्फ नॉलेज की वजह से ही चल रही है और गलत एक्शंस ले रहे हैं. एंड दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस एंड रिजेक्शंस ऑफ ईच अदर. सही है कि गलत है, मुझे बताइए. तो मुझे क्वेश्चन हमेशा आता था कि ये इतने वेरिएशंस क्यों है, मतलब गॉड ने इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज क्यों क्रिएट की है, इतने मतलब कॉन्फ्लिक्शंस क्यों क्रिएट किया है. अगर कोई एक सिंपल नॉलेज होता या सिंपल इंफॉर्मेशन होती तो मुझे लगता फाइट नहीं होता. लेकिन क्या जरूरत थी, कोई मुझे बता सकता है? इतनी वेरिएशन या इतनी पोलैरिटी, इतनी ड्यूअलिटी की क्या जरूरत थी? रिलीजन में ड्यूअलिटी है, राइट? लाइफ में है,
हस्बैंड वाइफ के बीच में है, स्टूडेंट टीचर के बीच में है, तो ये इतने ऑपोजिशंस क्यों हैं या इतनी वेरिएशंस क्यों हैं? कैन एनीवन टेल मी? कुछ तो रीजन होगा कि नहीं? बहुत सोचने वाली बात है, बिकॉज हम लोग उसी के विक्टिमाइज्ड हैं। मतलब पूरी लाइफ में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला क्यों अलग, मतलब क्यों लड़ रहा है मुझसे, या मैं उसके साथ क्यों लड़ रहा हूं। तो हम हमेशा कहते हैं इंसान गलत नहीं होता, इंसान अलग होता है। इसमें फर्क है कि नहीं? राइट? अब हमने रिसर्च किया है साइंस में कि तीन चीजों के वजह से इंसान अलग है। फर्स्ट इज अ मैटर, सेकंड इज अ एनर्जी, एंड थर्ड इज अ कॉन्शियसनेस। राइट? ये तीन चीजों में हम बढ़ गए हैं। मैटर में अगर हम देखें तो ज्यादा डिविजन नहीं है हमारे, मेल एंड फीमेल है मैटर के फॉर्म में। राइट? एनर्जी के फॉर्म में देखिए तो बहुत डिविजन है। आप यहां पे जितने लोग भी बैठे हैं सब में एनर्जी का डिफरेंस है कि नहीं? डिफरेंस है। और पूरा हमारा जो रिसर्च है ऑरा साइंस, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, ये उसी के आधार पे है कि इंसान की ऊर्जा क्यों अलग होती है। क्योंकि इंसान की सोच अलग होती है, विचार अलग होते, मान्यताएं अलग होती है, बिलीफ अलग होते हैं, उसके रिलीजन के कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, उसकी लाइफस्टाइल अलग होती है, उसके इल्यूजंस अलग होते हैं, उसके परसेप्शंस अलग होते हैं, और उसके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। इज इट राइट अबाउट? तो जब आपके अंदर इतने कुछ वेरिएशंस है तो आपको नहीं लगता कि आपके आपकी एनर्जी दूसरे इंसान की ऊर्जा से विपरीत होगी? राइट? हम कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, या हम कहते हैं कितने सारे रिलीजन है पूरे वर्ल्ड में, तो इसकी रीजन क्या है? क्योंकि एनर्जी में कोई फर्क है ना? प्रीस्ट में, पंडित में, पुरोहित में एनर्जी का डिफरेंस है कि नहीं? राइट? तो ये जो वेरिएशंस है, ये मैथमेटिक्स में हम कैसे समझते हैं कि कितनी सारी पॉसिबिलिटीज होती है, कितनी सारी प्रोबेबिलिटीज होती है, एंड दैट इज द ग्रेस ऑफ टीचिंग। कितनी वेरिएशंस है, राइट? तो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस करते हैं कि नहीं? इसका कॉन्सेप्ट वहां लगाते हैं यहां, इसका कॉन्सेप्ट वहां लगाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट यहां लगाते हैं, और हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हाँ इसका निचोड़ क्या निकलेगा। जब कोविड आया था तब लोगों को पता नहीं था उसको फेस कैसे करना, तो लोगों ने अपने दिमाग लगाना शुरू किया। आयुर्वेदा ने अपने दिमाग लगाना शुरू किया, मेडिकल साइंस ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, हम लेमैन लोग ने भी अपने अलग दिमाग लगाने शुरू किए, और ऐसे करते करते आपने देखा व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे कितने सजेशंस, कितने मैसेजेस आना शुरू हो गए, कितने वेरिएशंस के, एवर राइट? लेकिन हार्डली हमने उनको इम्प्लीमेंट किया, इसलिए सेकेंड वेव भी आ गई। राइट? अब हमने उसको वापस इम्प्लीमेंट नहीं किया तो अब धीरे धीरे वापस इंसान कहीं ना कहीं उसी की थर्ड वेव की तरफ जाता है। राइट? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप टीच करते हो, आप जितने भी यहाँ प्रोफेसर टीचर्स हैं, अगर आपके स्टूडेंट आपको फॉलो नहीं करते तो आपको कैसा लगता है? हाउ डू यू फील? टेल मी ऑनेस्टली। यस? बुरा लगता है कि नहीं? आपका टीचर आपको फॉलो नहीं कर रहा है तो आप सोचिए आपके लिए टीचर कौन है? आपको भी तो कोई सिखाने के लिए आया है कि नहीं? कोई आया है कि नहीं? और वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको आपने अट्रैक्ट किया है। एंड हियर इट कम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दो तरीके से में डिवाइड हो गया है जो हमने रिसर्च किया। जब मैं यूएस गया था 2008 में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीखने के लिए डॉक्टर टोनी रॉबिन्स से, वहां उन्होंने कहा कि जो आप सोचते हो उसी को अट्रैक्ट करते हो। Do you believe? हमारी जैसी सोच है उसी को हम अट्रैक्ट करते कि नहीं? Is it right? मतलब कोई सिगरेट पीता है तो वो उनको अट्रैक्ट करेगा जो सिगरेट पीता है और पिलाता है। Right? तो ये चीजें कैसी है जो माइंड लेवल पे बोलती है लेकिन सोल लेवल पे अलग है। सोल लेवल पे हम लोग ऑपोजिट लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और सोल लोग क्यों ऑपोजिट लोगों को अट्रैक्ट करता है? क्योंकि उसे चैलेंजेस फेस करना है। अगर हम लाइक माइंडेड लोगों को अट्रैक्ट करते हैं तो कहीं फ्रिक्शन ही नहीं होता, तो कहीं झगड़े नहीं होते हस्बैंड वाइफ के बीच में, बच्चों के पेरेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में झगड़े नहीं होते।
लेकिन हम लोग ऑपोजिट लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और वो कितना चैलेंज है, और वहाँ कहाँ क्या स्टार्ट होता है जब ऑपोजिट लोग हमारी लाइफ में हम अट्रैक्ट करते हैं, वहाँ ईगो स्टार्ट हो जाता है। इज इट राइट और नॉट? ईगो कहाँ स्टार्ट होता है कि मैं इतना अव्वल नंबर का हूँ, मैं एक्सपर्टाइज्ड हूँ, मुझे इतने लोग मानते हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, और ये बंदा मुझे सिखा रहा है। आप मुझे ये बताइए, ये ग्रेस है कि रेस है? What it is, what you will call? It is a race. और हम maximum लोग बचपन से लेके अब तक रेस में हैं, ये भूल गए कि हम ग्रेस में हैं। और क्यों भूल गए? क्योंकि जब हम 2-2.5 साल के थे और पहली बार से जब हमें अपने पेरेंट्स ने स्कूल में भेजा, और जब हम स्कूल से वापस आते हैं, हमें ये पूछा जाता है कि तुम्हारे क्लासमेट, तुम्हारे फ्रेंड ने डब्बे में क्या खाना लाया, या तुम्हारे क्लास में किसने कितने नंबर लाए, तुमने कितने नंबर लाए, टीचर ने ग्रेड तुम्हें ए दिया या उसे ए प्लस दिया। तो हमारा माइंड को प्रोग्रामिंग क्या करवाया पेरेंट्स ने? रेस का, कंपटीशन का। डू यू एग्री और नॉट? हम सारे कंपटीशन में आ गए, और हमने आज तक उस बिलीफ सिस्टम को बरकरार रखा है, और हमने अपने बच्चों के अंदर भी वही कंपटीशन एटीट्यूड डाली है, यू हैव टू स्कोर द बेस्ट, उससे तुम्हें आगे जाना है। आप लोग में से कितने लोग ब्लूटूथ यूज करते हैं मोबाइल में? मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। कभी आपने ये सुना है कि ब्लूटूथ सॉफ्टवेयर एक्सचेंज करता है? कभी ओएस और एंड्रॉइड के बीच में ब्लूटूथ कभी सॉफ्टवेयर एक्सचेंज कर सकता है? कभी कर सकता है? नहीं कर सकता। वो क्या एक्सचेंज कर सकता है? फोटोज, इमेजेस, टेक्स्ट मैसेज, वीडियोस, ये एक्सचेंज करता है। इज इट राइट और नॉट? तो आपके अंदर जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है ना, वो आप निकाल नहीं सकते इतना इजीली। और जिस दिन इंसान अगर अपने खुद के सॉफ्टवेयर को अपडेट करते जाएंगे, आगे के वर्जन पे जाएंगे ना, मुझे लगता है ये उसका प्रोग्रेस होगा, ये उसका ग्रेस होगा। इज इट राइट? तो हमें सबको करना क्या है? अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, अपने नॉलेज को अपडेट करना है, अपने इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है, अपने एक्शंस को अपडेट करना है। तब मुझे लगता है इंसान रेस में नहीं, ग्रेस में चलेगा। इज इट राइट? हम काफी बार कहते हैं ये बंदा पता नहीं हर जगह टॉप कैसे कर रहा है, मतलब क्या वरदान है इसको, ये कुछ भी नहीं कर रहा, हर जगह इसको बहुत लोग अच्छा ही कहते हैं, बिकॉज वो ग्रेस में है, वो किसी के रेस में नहीं है। समझने के लिए सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, ये ऐसे जितने भी लोग हैं ना, ये लोग सब ग्रेस में हैं। आज ये लोग नहीं भी है ना, तभी भी हम इनका नाम लेते कि नहीं, इन्होंने इतिहास बनाया, इन्होंने हिस्टोरिकल चीजें बनाई है। इज इट राइट? तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ जितने भी अलग अलग रिलीजन के लोग थे या हैं, या जितने भी अलग अलग प्रोफेशनल लोग हैं, ये लोग अपना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं, ये लोग किसी से कंपटीशन करने के लिए नहीं आए हैं। इनका सिलेबस अलग है, तो इनके सिलेबस के साथ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर इंजीनियर के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हैं? मुझे बताइए। हाँ, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये सिलेबस अलग है, इनका प्रोटोकॉल अलग है, इनका मॉड्यूल अलग है, और ये अपने मॉड्यूल के हिसाब से चलते हैं। Am I right or wrong? तो आप मुझे बताइए फिर ये फायदा क्या है ये सब चीजों का? Can anyone tell me? ये क्वेश्चन काफी बार मेरे दिमाग में आता है, बिकॉज मैं इतने जगहों पे जा चुका हूँ, करीबन 150 से ज्यादा संतों को, गुरुओं को इंडिया में मिल चुका हूँ, कब कुंभ के मेले में या ऐसे कितने जगहों पे, श्री रविशंकर, सत्य साई बाबा को मिला था, सदगुरु को, ऐसे कितने लोगों को मैं मिलता हूँ ये रिसर्च करने के लिए। मैं इनको पूछता हूँ, क्या आप जो सिखाते हो आपको लगता है कि यही साइंस है? वो कहते हैं हाँ यही साइंस है, बाकी सब लोग तो इल्यूजन में हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक चीज के पीछे ना अपना एक साइंस है, वो इल्यूजन नहीं है, उसके पीछे एक एक्सपीरियंस है, उसके पीछे कुछ तो हमारी एक लर्निंग है, और उस लर्निंग को लेने के बाद हमें उसे करना क्या है, उसे इवेपोरेट करना है। तो अब मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ कि एक्चुअली सीक्वेंस कैसा होना चाहिए। पहला होना चाहिए नॉलेज, सेकेंड होना चाहिए इंफॉर्मेशन, थर्ड होनी चाहिए एक्शन। इज इट राइट? एक्शन से क्या मिलेगा आपको? एक्सपीरियंस मिलेगा।
एक्सपीरियंस के बाद नॉर्मली क्या होता है, हम उसको जज करते हैं और हम वहां अटक जाते हैं, जबकि एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको उसको रिवॉल्यूशन के लिए यूज करना है और रिवॉल्यूशन के बाद आपको इवोल्यूशन के लिए यूज करना है, ताकि आपका सोल एक लेवल आगे जाए, डिजिटली आगे जाए। हमने सोल लेवल के ऊपर भी बहुत सारे रिसर्चेस किए हैं, हमने करीबन 3500 लोगों के ऊपर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके पुनर्जन्म का रिसर्च किया है कि ये सोल कौन सी कैटेगरी की है, कौन से लेवल की है। तब हमें पता चला इन्फेंट सोल से लेके इनफाइनाइट सोल तक 7 टाइप्स की सोल लेवल्स होती है और हम हर सोल लेवल पे डिजिटली इवॉल्व होते हैं। तो जो इंसान मेंटली रिवॉल्यूशन के लिए तैयार नहीं है, अपनी बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपने ईगो को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो कभी इवोल्यूशन में पार्ट नहीं ले सकता, उसकी लाइफ स्टैग्नेंट होती है, वो इंसान वहीं का वहीं अटक जाता है। इज इट राइट? आपको लाइफ पर्पस के लिए एक अच्छा सब्जेक्ट मिला है, अच्छा एक्सपर्टाइज हो गए, आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, आपका परिवार उस सैलरी से चल रहा है, आपकी इनकम अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अल्टीमेट स्टेज पे पहुंच गए हो, आपको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अपने ही सब्जेक्ट का नहीं, दूसरे के सब्जेक्ट का भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब मैं मेडिकल डॉक्टर था रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में, मैं 75 कंसल्टेंट डॉक्टरों के साथ काम करता था, 150 बेड की हॉस्पिटल थी, और 24 घंटा मैं ड्यूटी करते वक्त ये सोचता था कि मेरे पास तो अल्टीमेट नॉलेज है, और 3 साल तक मैंने वहां पे मेडिकल प्रैक्टिस की। लेकिन जब मैंने देखा, जब मैं आईसीयू में काम करता था या ऑपरेशन थिएटर में काम करता था, और जब मैंने क्रिटिकल पेशेंट्स देखे, कैजुअलिटीज देखी, मैंने सोचा ये इंफॉर्मेशन मतलब ये तो अधूरी है, ये साइंस तो अधूरा है। मेरे सीनियर डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते कुछ पेशेंट्स की ट्रीटमेंट में, और इसलिए फिर मैंने ये रिसर्च करना शुरू किया कि कहाँ पे हम कमजोर हैं। अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी 2000 करोड़ रुपए लेके इतनी बड़ी एक प्रोटोकॉल चीजें चलाती है, उसके बावजूद भी हम डॉक्टर्स पेशेंट्स को नहीं बचा सकते कुछ कुछ सिचुएशन में। आपने भी देखा कोरोना में कितने लोग चले गए, हम बचा नहीं पाए उन्हें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज अधूरी है, इंफॉर्मेशन हमारे अधूरे हैं। डू यू एग्री? कितने लोग एग्री करते हैं कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है हमें? राइट, सबको लगता है। अब प्रॉब्लम कहां पे आता है पता है? हम लोग पहले तो अपने सब्जेक्ट पे अटैच्ड हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जितने भी लोग आप यहाँ पे हो, आप जो भी सिखाते हो ना, आप बहुत अटैच्ड हो अपने सब्जेक्ट से, हो के नहीं मुझे बताओ, और आपको लगता है आपका सब्जेक्ट बेस्ट है, और इसके वजह से ना आपने एक बैरियर क्रिएट किया, एक ब्लॉक क्रिएट किया है, और आप बियॉन्ड उसके जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे, ये पहली बात होती है। दूसरी बात ये होती है कि जब हमें अच्छा सक्सेस मिल जाता है ना, तो ये एक स्टैंप लग जाता है कि इससे आगे कुछ नहीं है, आपको तो सक्सेस मिल गया, इसी के लिए तो आपने शुरुआत की थी अपनी दौड़ में। इज इट राइट?